सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो गाइस मैं आ गया हूँ यूट्यूब और अनदर सोशल मीडिया से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट लेकर के। सो गाइस अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करते हैं फर्स्ट अपडेट की। गाइस फर्स्ट अपडेट यहाँ पर निकल के आ रही है बेबी की वॉइस भुवन बाम की तरफ से। सो गाइस आपको पता है भुवन बाम ने अपनी लास्ट वीडियो आने से पहले कहा था कि एक वीडियो के बाद मेरा म्यूजिक भी आने वाला है। सो गाइस उसी का एक म्यूजिक क्लिप जो है भुवन बाम ने अपनी एक इंस्टा स्टोरी पर अपलोड किया है। सो गाइस आप भी सुनिए उस वीडियो की शॉर्ट क्लिप को। सो दिल्ली में बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है और अभी 4 बज रहे हैं, सुबह के 4 बज रहे हैं। एंड मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको अपने अगले गाने की एक छोटी सी इन्नी सी झलक दिखाऊं। Here it goes। सो गाइस इसका म्यूजिक सुनकर के मुझे तो लगता है ये गाना बहुत ही ज्यादा रोमांटिक होने वाला है। गाइस आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। गाइस नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर आरजे अभिनव की तरफ से निकल के आए। सो गाइस आरजे अभिनव की नई वीडियो अलविदा टिकटॉक आ चुकी है। सो गाइस आप भी देखिए उस वीडियो की शॉर्ट क्लिप को। ऐसे प्लेटफॉर्म जहाँ कभी भी रेलगाड़ी नहीं रुकी। पीने में क्या लोगे? चमगादड़ लोगे, दो मुआ सांप लोगे, कुत्ता लोगे, गंडोया लोगे, अर्थ बॉम्ब लोगे, क्या लोगे? यार यार कड़वा निकला ये भी यार। ये मच्छर खा के हमें और इन्होंने कड़वाना कर देना यार। कहाँ देख रहा है? अबे तो लार की लार है भोसनी के। हाँ छिपकली। ले छिपकली देख रहा है? बताओ यार छिपकली खाएगा क्या करो। तो गाइस अगर आप फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से जाके देख सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर कैरी मिनाटी की तरफ से निकल के आ रही है। सो गाइस कैरी मिनाटी ने अपने यूट्यूब कम्युनिटी टैब में ये कुछ पोस्ट किया, लिखा नई वीडियो आ रही है, टॉपिक गेस करो, इट इज गोइंग टू अ रेंट वीडियो, आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड द वीडियो, बाकी प्यार बरकरार रहे। सो गाइस आपको क्या लगता है किस टॉपिक पर वीडियो होने वाली है नीचे कमेंट करके जोर से बताना। देन इसके बाद ही गाइस कैरी मिनाटी अपने इंस्टा स्टोरी पे लॉकडाउन से फर्स्ट्रेट होकर के कुछ स्टोरीज पोस्ट करते हैं। सो गाइस आप भी देखिए उन स्टोरीज को। मुझे मौज मारनी है, मुझे बाहर जाना है, मुझे मौज मारनी है। मेरा होलिया, मेरा होलिया है, और कितने दिन रहूं मैं? तड़पता है मेरा शरीर, तड़पता है भाई चोट, मुझे मौज मारनी है। देन इसके बाद गाइस नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है एल्विश यादव की तरफ से। सो गाइस आप सबको पता है कि एल्विश यादव की नई वीडियो आने के बाद सलमान खान के जितने भी फैंस हैं वो सारे एल्विश यादव को थ्रेट्स वगैरह धमकियां वगैरह भेजने लगे हैं। सो गाइस इसी पर रिएक्ट करते हुए एल्विश यादव ने दोबारा इंस्टाग्राम स्टोरी में कुछ वीडियोज पोस्ट किए। सो गाइस आप भी देखें उन वीडियो की शॉर्ट क्लिप्स को। एक होते चूतिया, एक होते माँ चूतिया, फिर आते सलमान खान के फैंस। मेरी फोटोज एडिट कर रहे हैं, मेरा स्क्रीनशॉट चैट के जो है उसको एडिट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। भाई शुक्र मनाओ मोदी जी का कि लॉकडाउन होगा तुम सारे पास हो गए, ना तो बहन जो साथ भी पास नहीं होती तुमसे। वैसे तो सारी फेक आईडी तो मैसेज कर रहे हैं, पर एक आधी जो 2-3 रियल आईडी मिल जाएंगी इनकी, खोल के देखोगे तो वे ना छपरी बाड़क रहे हैं ना मुंबई साइड के, जो झुग्गी झोपड़ी में रहे हैं। मजाक नहीं उड़ा रहा कि झुग्गी झोपड़ी का, बट समझे करो ठीक है। तो ये फैजू पदनान रियाज जितने भी हैं सारे वे बाड़क ना रहे हैं जो 20-20 रुपये मर्डर कर दे, एक सिगरेट बीड़ी के पीछे उस तरह मारते हैं गले पर, ऐसी फैन फॉलोइंग है सलमान खान की सच बताऊँ तो। और बहुत मैंने नहीं देखा कोई अच्छा आदमी जो मतलब अगर कोई इज्जत कर रहा सलमान खान की तो बहन चुपे वे हैं जो डरे हैं, जो मतलब अच्छे लोग हैं और जो उनके कहते हैं कि हम सलमान खान के फैन से, वे तो बहन चुप डरे हैं। असली फैन फॉलोइंग उसकी तो भाई यही है जो पिंचर विंचर लगा हुए हैं और जो जूते मोची वगैरह ये सारे सेम हैं इनकी। देन इसके बाद गाइस नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है लक्ष्य चौधरी की तरफ से। गाइस लक्ष्य चौधरी इंस्टा स्टोरी पर पोस्ट करते हुए लिखते हैं सम्राट भाई से लास्ट कुछ वीक्स इतनी बात हुई है, कहीं ना कहीं हमारे आइडियाज बहुत कॉमन हो गए एंड स्क्रिप्ट भी, लेकिन अब मैं और वो दोनों काफी इग्नोर कर रहे हैं वीडियो स्क्रिप्ट डिस्कस करना, क्योंकि न चाहते हुए भी कुछ कॉमन पॉइंट्स माइंड में स्ट्रक हो जाते हैं, कुछ वीडियोस काफी सिमिलर हो गई ज्यादा डिस्कशन करके। देन इसके बाद गाइस लक्ष्य चौधरी प्रैंक वीडियोस पर भी रिएक्ट करते हुए इंस्टा स्टोरी में ये कुछ पोस्ट करते हैं। तो आज मैं फिर से भाई प्रैंक चैनल देख रहा था, नए प्रैंक्स। तो उस दिन जब हम ये बात कर रहे थे टिकटॉक डिलीट हो गया, वो बात फिर रल मिल गई। आज मैं वापस बताऊंगा कि अगर कोई युवक युवती जिनको अपने प्रैंक चैनल के लिए प्रोड्यूसर चाहिए हो या नया चैनल खोलना चाहते हो, प्रैंक चैनल, ओनली प्रैंक चैनल, बाकी किसी चैनल का कोई फ्यूचर है ही नहीं, पैसा है ही नहीं, ओनली प्रैंक चैनल्स, कोई अच्छा चैनल नहीं चाहिए, मैं प्रोड्यूसर बनने को तैयार हूँ। देखो यार मैं आर्टिस्ट तो नहीं बन सकता क्योंकि थोड़ी सी मार्केट में इज्जत है,
पीछे छुप के प्रोड्यूसर बनूंगा, लेकिन मैं प्रैंक चैनल और थंबनेल में बनवाऊंगा यार। मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, अब मैं प्रैंक चैनल कैसे थंबनेल बनवा सकता हूँ कि मैं छोटू के गोलगप्पे वाली वीडियो भी पीछे छोड़ दूंगा अपनी प्रैंक वीडियो से। तो मुझे याद रखना यार प्रैंक चैनल वालों, मदरफकर्स दिस इज बिजनेस। देन इसके बाद गाइस नेक्स्ट अपडेट स्काउट पबजी की तरफ से निकल गया है। सो गाइस आपको पता है स्काउट का जो अभी लास्ट टूर्नामेंट मैच हुआ है उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रॉन्ग हुई हैं। सो गाइस उसी पर रिएक्ट करते हुए इंस्टा स्टोरी पर लिखे हैं, थिंग्स वेंट कम्प्लीटली रॉन्ग टुडे इन द टूर्नामेंट बट इट्स फाइन, वी विल गेट देयर बिफोर द वर्ल्ड लीग, कीप बिलीविंग, डिड इट वंस, विल डू इट अगेन। सो गाइस वो वर्ल्ड लीग में ज़्यादा अच्छा करेंगे इसकी उम्मीद है। दर इसके बाद गया स्काउट के जितने फैंस है वो सिर्फ स्काउट को डीएम करके पूछने लगे कि तुम पबजी मोबाइल क्यों नहीं खेल रहे, PS4 और PC गेम्स क्यों खेल रहे। सो इसी पर रिएक्ट करते हुए स्काउट ने ये कुछ पोस्ट किया है, हे एवरीवन, आई हैव बीन गेटिंग डीएम्स अबाउट यू आर स्ट्रीमिंग PC एंड PS4 गेम रेदर देन पबजी मोबाइल एंड नॉट प्रैक्टिसिंग, सी आई वॉन्ट मेक यू समथिंग क्लियर, दिस इज नॉट पबजी मोबाइल डेडिकेटेड चैनल एंड आई स्ट्रीम एट नाइट वेन ऑल स्क्रीम्स एंड टूरिज्म आर ओवर, सो वाई डू यू एक्सेप्ट मी टू प्ले पबजी मोबाइल एट नाइट टू आफ्टर ऑल डे ऑफ पबजी मोबाइल, सो डोंट कीप टेलिंग मी डू प्ले पबजी मोबाइल एंड स्टफ, डोंट टेल मी अबाउट एनी वन एल्स, आई वुड लव टू बी स्ट्रीमर हु स्ट्रीम मल्टीपल गेम्स टू एंटरटेन, नॉट सम गाय हु इज बाउंड टू प्ले वन गेम। सो गाइस बेसिकली वो यही कहना चाहते हैं कि वो ये चैनल पबजी मोबाइल के लिए ही नहीं बनाया, वो सारे गेम उसके बनाए, मल्टीपल गेम जो खेलता है उसी को स्ट्रीमर कहते हैं। देन इसके बाद गाइस नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है राउंड टू हेल की तरफ। सो गाइस राउंड टू हेल ने अपनी इंस्टा स्टोरी में नई वीडियो को लेकर ये कुछ पोस्ट किया। सो गाइस वो लिखते हैं न्यू वीडियो सून। देन इसके बाद गाइस नाजिम अहमद भी एक फोटो पोस्ट करते हुए इंस्टाग्राम पर लिखते हैं न्यू वीडियो टॉपिक। देन उसी के नीचे वासिम आर्टू एच कमेंट करते हुए लिखते हैं अब तो शेड वापस कर दे, बहुत टाइम हो गया है। उसके बाद नाजिम अहमद भी उसका रिप्लाई करते हुए लिखते हैं कद्दू ले लो। उसके बाद वासिम आर्टू एच भी दो स्माइली इमोजीज बात कर इस चैट को खत्म करते हैं। देन उसके बाद गाइस नाजिम अहमद अपने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखते हैं बॉलीवुड टिप टिप बरसा पानी, और उसका लिखते हैं भाव टपा टप बरसा पानी। सो गाइस इसके बारे में आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। सो गाइस आज की न्यूज़ इतनी ही थी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं इसी तरह से यूट्यूब और अनदर सोशल मीडिया से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।